टुडे आवर टॉपिक इज क्रोप। क्रोपलाइट होता क्या है? ये क्रोपलाइट एक देखो पहले हम बता देते हैं, इसे एक डग होता है जो कि पहले जितने भी वो पुराने एनिमल्स जैसे कि डायनासोर्स हुए, इन सब के जो डग्स होते थे, ये मतलब जो वहाँ के उनके लिविंग स्टाइल कैसी थी, उनका जो मतलब फूड था वो कैसा था, उनके डक के हिसाब से उनके बारे में हमें ज़्यादा इन्फॉर्मेशन भी मिल जाती है। ये भी एक तरह का फॉसिल फ्यूल होता है, फ्यूल नहीं कह सकते, फॉसिल होते हैं जिनसे हम पता करते हैं पुराने टाइम के बारे में कि वो टाइम तरह का था, वहाँ के एनिमल्स कैसे थे, उनके फूड स्टाइल क्या थी, उनकी लिविंग स्टाइल क्या थी, वो किस तरह से रहते थे, किस तरह से क्या काम करते थे। ठीक है, क्रोप एक ये ग्रीक वर्ड है। ग्रीक वर्ड में देखा जाए तो देखो क्रोप मतलब होता है डग, और लिट्स मतलब लिथोस मतलब होता है स्टोन, मतलब डग का वो डग तरह का स्टोन, एक डग टाइप का स्टोन जो कि बहुत हार्ड हो चुका होता है। अक्रोपलाइट आल्सो नोन एज क्रोपलिथ, क्रोपलाइट को क्रोपलिथ भी कहते हैं। क्रोपलाइट इज फॉसिल फेसिस, ये एक फॉसिल फेसिस होता है, बताया जैसे कि मैंने अभी कि इसके ज़रिए हम पता कर सकते हैं कि पहले के टाइम में के एनिमल्स, पहले के टाइम के जो जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म थे उनकी लिविंग स्टाइल, उनका फूड क्या था। क्रोपलाइट आर क्लासिफाइड एज टेरेस्ट्रियल एज अपोज टू बॉडी फॉसिल, ये सब मैं बता चुकी हूँ कि ट्रैक फॉसिल जिसके वो क्लासिफाइड होते हैं ट्रैक फॉसिल के ज़रिए, जो कि बॉडी के फॉसिल को अपोज करते हैं। The given evidence for animals' behavior, diet rather than morphological, ये उनके बिहेवियर के बारे में बताता है कि उनके खाने का स्टाइल क्या था उनके मॉर्फोलॉजिकल से। These were known as firecorn and bezoar stone, इसको firecorn और bezoar stone भी कहते हैं। जैसे कि कोल होता है तो क्या होता है, वो हार्डली उसका कोई शेप नहीं होता, उसी तरह होता है ये क्रोपलाइट भी, इसका कोई शेप नहीं होता, ये भी बहुत स्टोन टाइप में होता है। दे सर्व अ वैल्यूएबल पर्पस इन पेंटोलॉजी, पेंटोलॉजी मतलब होता है फॉसिल रिकॉर्ड, ये फॉसिल रिकॉर्ड के लिए बहुत वैल्यूएबल होते हैं और होते भी हैं। दे प्रोवाइड डायरेक्ट एविडेंस ऑफ द प्रोडक्शन एंड डाइट ऑफ एक्सटेंशन ऑर्गेनिज्म, ये डायरेक्ट एविडेंस मतलब डायरेक्ट प्रूफ देते हैं कि उनके डाइट के बारे में क्या था, जैसे कि मैं बताई हूँ एकदम सेम वही बता रहा है ये। क्रोपलाइट मे रेंज इन साइज अ फ्यू मिलीमीटर टू ओवर 60 सेंटीमीटर, उसकी साइज़ क्या होती है, इसकी साइज़ कुछ मिलीमीटर से कुछ सेंटीमीटर तक होती है। क्रोपलाइट डिस्टेंस फ्रॉम पैलोफेसेस आर फॉसिल एनिमल डग, ये पुराने एनिमल डग्स होते हैं क्रोपलाइट जो होते हैं, पहले फेजेस लिखा जाए, पहले मतलब पुराना जो फॉसिल उनके फेजेस। लाइक अदर फॉसिल क्रोपलाइट हैड मच ऑफ देयर ओरिजिनल कंपोजिशन रिप्लेस बाय मिनरल, दूसरे फॉसिल की तरह, दूसरे फॉसिल की भांति क्रोपलाइट भी जो होते हैं इनका जो कंपोजिशन होता है देखिए, और इनका जो ओरिजिनल कंपोजिशन होता है वो रिप्लेस कर देता है किसको, मिनरल को वो रिप्लेस करता है। फिर कह रहा है डिपॉजिट एज अ सिलिकेट एंड कैल्शियम कार्बोनेट, ये किससे डिपॉजिट होता है, सिलिकेट से और CaCO3 से मतलब कैल्शियम कार्बोनेट से होता है। पैलियोफेस एंड ऑन द अदर हैंड रिटेन मच ऑफ देयर ओरिजिनल ऑर्गेनिक कंपोजिशन एंड कैन बी reconstitute to determine their original chemical property, जो पैरोफेज होता है दूसरी तरफ क्या होता है कि ये रिटेन करता है इसके ओरिजिनल ऑर्गेनिक कंपोजिशन के, और फिर ये फिर reconstitute फिर से ये बनता है, निश्चित करता है अपनी ओरिजिनल केमिकल प्रॉपर्टी पे। ठीक, इन प्रैक्टिस द टर्म क्रोपलाइट इज ऑल्सो यूज फॉर एशियंट ह्यूमन फेशियल मटेरियल इन आर्थोलॉजिकल कॉन्स्टेंट, प्रैक्टिकली देखा जाए तो जो क्रोपलाइट है वो इसलिए भी यूज़ किया जाता है कि जो पहले के टाइम के ह्यूमन बीइंग थे उनके फेसेस कैसे थे और वो क्या मतलब आर्चियोलॉजिकल कॉन्टेक्स थे, किस तरह से वो रहते थे और क्या उनके आर्चियोलॉजिकल कॉन्टेक्स थे। क्रोपलाइट इज डिस्क्राइब बाय
विलियम बुकलैंड इन 1829। क्रोपलाइट को किसने डिस्क्राइब किया? क्रोपलाइट को विलियम बुकलैंड नाम के एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने 1829 में डिस्क्राइब किया था। ओके, थैंक यू।